Welcome to TradeClue live analysis session. First of all, these live sessions are for educational purpose and not a recommendation. So kindly trade according to the risk. So let's check the market. Market mein kya ho raha hai? As we can see, ek flat opening hui hai. Tino bhi index mein. Nifty mein bhi flat opening hui hai. Buy Nifty mein bhi flat and same goes for Fin Nifty as well. So tino index mein flat opening hui hai. But agar hum kal ka din dekhte ho to, kal yahan pe ek achha मॉर्निंग में बाय आने के बाद बाइंग आने के बाद यहाँ से फिर से सेलिंग आ गई थी। दैट मीन्स की मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। दैट मीन्स की मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। एंड राइट नाउ एज वी कैन सी यहाँ पे देखो रेड डॉट्स भी है, ग्रीन डॉट्स भी है। प्राइस इज ट्राइंग टू सस्टेन इन बिटवीन दिस रेंज। तो प्राइस इस रेंज के बीच में ही ट्रेड करने की कोशिश कर रही है, राइट? प्राइस इज ट्राइंग टू सस्टेन इन बिटवीन दिस रेंज। ओके, सो व्हाट वी वांट, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, लेट इट क्रिएट द रेंज, लेट इट क्रिएट द रेंज। फिन निफ्टी टुडे इज हैविंग एक्सपायरी, ओके, टुडे इज फिन निफ्टी इज एक्सपायरी। सो लेट इट क्रिएट अ रेंज, रेड एंड ग्रीन डॉट्स के बीच में सस्टेन करने दो। देन बिलो दिस ग्रीन डॉट्स, सो इफ इट कम्स डाउन, इट रिट्रेसेस फॉर वन और टू कैंडल, देन वी कैन गो फॉर गुड सेल साइड ट्रेड, देन वी कैन गो फॉर गुड सेल साइड ट्रेड। इफ आई रिमूव द टेक्निकल लेवल, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक प्रीवियस सपोर्ट जोन है 20,550। तो अगर ये निकाल देता है तो लगभग हमें प्रीवियस ग्रीन बॉक्स तक का हमें टारगेट मिल सकता है, प्रीवियस ग्रीन बॉक्स तक का टारगेट मिल सकता है। तो फिन निफ्टी इज वेरी गुड फॉर सेल साइड। अपसाइड जाते हैं तो अपसाइड में काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है। एज यू कैन सी देर इज अ रेजिस्टेंस लेवल ओवर हियर, अगेन ओवर हियर। सो अपसाइड इज कैप, तो अपसाइड में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है तो हम अपसाइड के लिए देख नहीं सकते। ऊपर जाता है तो भी हम सेल ही करने के लिए देखेंगे। इवन इफ इट गोज अप इट विल कम डाउन लाइक दिस, इवन इफ इट गोज अप इट विल कम डाउन लाइक दिस। सो दैट्स व्हाई वी आर लुकिंग फॉर सेल साइड। सो लेट इट क्रिएट अ रेंज, क्रिएट द रेंज एंड वंस इट ब्रेक दिस लेवल 20,550, देन वी कैन गो फॉर गुड सेल साइड ट्रेड इन फिन निफ्टी। सेम गोज फॉर बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में भी हम देख सकते हैं कि इट इज सस्टेनिंग ओवर हियर। यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स है, एज यू कैन सी डेली सपोर्ट एंड वीकली सपोर्ट इज देयर। एंड एक बार अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है, व्हिच इज प्रीवियस सपोर्ट जोन एज, ओके, देयर इज अ टेक्निकल लेवल डीएस एंड डब्ल्यूएस प्लस टू डेज लो एंड प्रीवियस लो। वंस इट टेक डाउन दिस लो, वी कैन हैव अ वेरी शार्प डाउन साइड इन बैंक निफ्टी एज, वी कैन हैव अ वेरी शार्प डाउन साइड इन बैंक निफ्टी एज। सो दैट्स व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन सेल साइड। एज यू कैन सी प्रीवियसली यहाँ पे बाइंग आई थी, देन अगेन सेलिंग केम, yesterday buying came, then again selling came, again buying came, then again selling came. That means कि यहाँ पे selling pressure is high. There is a high selling pressure in this zone. So let it break this range. And as you can see, it is a previous green box zone as well. So there are multiple support levels in Bank Nifty. So Bank Nifty में काफी ज्यादा support levels है। अगर वो break कर देता है Bank Nifty, which is 46,400, then we can go for a sharp downside trade. Then we can go for a sharp downside trade. Okay? हम बाय करने के लिए क्यों नहीं देख रहे, व्हाई वी आर नॉट लुकिंग फॉर बाय साइड, बिकॉज देयर इज इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन। तो यहाँ पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है, डीआर है, मैक्स पेन है, ओके, तो देयर इज इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन। सो अपसाइड इज कैप, अपसाइड इज कैप, तो अपसाइड लिमिटेड है बैंक निफ्टी में, अपसाइड लिमिटेड है बैंक निफ्टी में। इवन इफ इट गोज डाउन एंड अगेन आफ्टरनून में भी फिर से नीचे आता है एंड फिर ब्रेकआउट मिलता है, देन वी विल बी मोर इंटरेस्टेड फॉर सेल साइड, देन वी विल बी मोर इंटरेस्टेड फॉर सेल साइड। क्योंकि सेलिंग काफी स्ट्रॉन्ग मिल सकती है, सेलिंग काफी स्ट्रॉन्ग मिल सकती है। अपसाइड इज ओनली पॉसिबल अबाउट 47,000 लेवल, अपसाइड इज ओनली पॉसिबल अबाउट 47,000। अगर ऊपर ये यहाँ पे कहीं पे भी जाता है तो हमें सेलिंग ही देखने को मिलेगी, कहीं पे भी जाता है तो सेलिंग ही देखने को मिलेगी। सो दैट्स व्हाई वी आर मोर फोकस्ड ऑन सेल साइड, दैट्स व्हाई वी आर मोर फोकस्ड ऑन सेल साइड। सेम गोज फॉर निफ्टी 50, इट इज अ इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल निफ्टी 50 में। अगर ये ब्रेक कर देता है 22,050, तो हमें इसमें निफ्टी 50 में भी काफ़ी अच्छी सेलिंग देखने को मिल जाएगी, तो फिर हमें निफ्टी 50 में भी काफ़ी अच्छी सेलिंग देखने को मिल जाएगी। सो ओवरऑल हमें इंडेक्स में काइंड ऑफ राइट नाउ सेल साइड के लिए फोकस करना है तीनों भी इंडेक्स में। अपसाइड जैसे कि मैंने कहा कि अपसाइड इज कैप, यहाँ पे इमीडिएट रेजिस्टेंस है, तो निफ्टी 50 में थोड़ी सी बाइंग हमें देखने को मिल सकती है इफ इट ब्रेक दिस रेड बॉक्स, इफ इट ब्रेक दिस रेड बॉक्स। बट कंपेयर टू बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी, निफ्टी में हमें बोथ साइड ट्रेड मिल सकता है, बट इन बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी वी आर मोर इंटरेस्टेड फॉर सेल साइड, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन सेल साइड।
बाय निफ्टी एंड फिम निफ्टी में मोर इंटरेस्टेड इन सेल साइड। डेफिनेटली देर विल बी अपसाइड, बट अपसाइड इज कैप, तो अपसाइड ज्यादा फेवरेबल नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा फेवरेबल नहीं है अपसाइड में फॉर फिन निफ्टी एंड बाय निफ्टी। फॉर निफ्टी फिफ्टी बोथ आइदर साइड ट्रेड, वी कैन टेक ट्रेड। ओके, अगर ये रेड बॉक्स ब्रेक करते हैं तो हम बाय साइड के लिए भी जा सकते हैं, एंड इफ इट ब्रेक्स DSWS देन वी कैन गो फॉर सेल साइड। तो निफ्टी फिफ्टी में बोथ साइड हमें ट्रेड देखने को मिल सकता है। करण जी, स्ट्रैडल लेने के लिए राइट नाउ देर इज नो बिग इवेंट कमिंग, अगर कोई इवेंट आ रहा है और आपको पता है तो आप स्ट्रैडल ले सकते हो। ओके, देन देर आर टू स्टॉक। तो ग्रुप में हमने कुछ स्टॉक शेयर किए थे जैसे कि TCS था, M&M था। तो TCS तो ऑलरेडी काफी ऊपर चला गया, TCS ने काफी अच्छा टारगेट बीट कर दिया, तो इफ यू चेक TCS, तो यहाँ पे हमें इस तरीके का सेटअप था एंड इट वेंट अप वेरी ड्रास्टिकली। तो TCS काफी स्ट्रांगली ऊपर चला गया, ऑलमोस्ट 2% ऊपर चला गया। सो राइट नाउ देर इज नो ट्रेड इन TCS। M&M इज देयर, बट M&M में प्रॉब्लम क्या है कि M&M ऑलरेडी 15 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ था, तो यस्टरडे क्लोज से ऑलरेडी वो 15 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ था। सो नाउ इट इज गोइंग साइडवेज, नाउ इट इज गोइंग साइडवेज, तो लेट इट कम डाउन। यहाँ पे नीचे आके अगर डे लो फिर से ब्रेक करता है तो हम डे हाई का स्टॉप लॉस लगा के उसको सेल कर सकते हैं, तो हम डे हाई का स्टॉप लॉस लगा के इसको सेल कर सकते हैं, एंड आवर फर्स्ट टारगेट विल बी प्रीवियस ग्रीन बॉक्स जोन, आवर फर्स्ट टारगेट विल बी प्रीवियस ग्रीन बॉक्स जोन। ओके, सो M&M यू कैन लुक फॉर सेल बिलो डेज लो, तो डे लो के नीचे आप M&M को सेल करने के लिए देख सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी 15 पॉइंट्स का गैप डाउन ओपन हुआ था, तो इतने बड़े गैप डाउन के बाद प्राइस ऑलवेज गो साइडवेज, सो इट शुड सस्टेन ओवर हियर, एंड देन अगेन फिर से अगर डे लो ब्रेक करता है तो हमें इसमें काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिल सकती है। सर मेरे निफ्टी और बैंक निफ्टी ब्लॉक हो गए, काइंडली राजेश जी कनेक्ट विथ योर ब्रोकर। आशीष नंदुरकर, ऑसम स्ट्रैटेजी सर, मेड प्रॉफिट इन TCS, दैट्स वेरी गुड टू हियर आशीष जी। हाय सर, आई हैव पोजीशन ऑन बैंक निफ्टी 46,900, साला एग्जिट बाय प्रीमियम, करंट इट इज 43। यू कैन वेट टिल डेज लो, अगर डे लो ब्रेक करता है देन यू कैन एग्जिट विनोद जी, अदरवाइज यू कैन होल्ड। राजेश जी काइंडली कनेक्ट विथ आवर सपोर्ट टीम, सो दो दे विल चेक व्हाट इज द एग्जैक्ट इशू यू आर फेसिंग। ओके, क्रॉम्पटन। ओके, सी फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर अदर स्टॉक्स एज वेल लाइक पावर ग्रिड, सो पावर ग्रिड केम फ्रॉम लाइव मार्केट ओआई बस एंड यस्टरडेज रेड एंड ग्रीन बैंड। सो हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि ओआई बस क्या रहता है, तो बेसिकली ओआई बस इज लाइक कोई भी इंपॉर्टेंट ऑप्शन लेवल अगर ब्रेक कर रहा है कोई स्टॉक तो वो हमें लाइव मार्केट ओआई बस में मिल जाता है, तो हमें वो लाइव मार्केट ओआई बस में मिल जाता है, एज वी कैन सी पावर ग्रिड ओआई बस बुल। सो यहाँ पे देख सकते हो कि रेड बैंड भी है, मैक्स कॉल लेवल भी है। ओके, एंड प्राइस एक काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल गया, तो पावर ग्रिड में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, राइट? सो व्हाट वी नीड राइट नाउ, इट शुड गो साइडवेज ओवर हियर, इट इज प्रीवियस डेज हाई, टू डेज डेज हाई, तो यहाँ पे उसको साइडवेज जाने दो, एंड देन अगर यहाँ पे हाफ आवर के बाद साइडवेज जाने के बाद हमें ब्रेकआउट मिलता है तो काफी अच्छा हमें इसमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। तो अगर 290 के ऊपर ही रेंज क्रिएट करता है पावर ग्रिड, 290 के ऊपर ही अगर रेंज क्रिएट करता है तो बिलो दैट 290 वी कैन कीप आवर स्टॉप लॉस, बिलो दैट 290 वी कैन कीप आवर स्टॉप लॉस, एंड एज वी कैन सी यहाँ पे यस्टरडे साइडवेज स्ट्रक्चर था, तो साइडवेज जाने के बाद यहाँ पे एक अच्छी बाइंग मिली है, दैट मीन्स कि यहाँ की जो सेलिंग है वो सारी एब्जॉर्ब हो गई है, सो दैट्स वाई वी आर मोर इंटरेस्टेड इन बाय साइड इन पावर ग्रिड। तो लाइव मार्केट ओआई बज में भी आया है फॉर बुल साइड, बुल साइड मतलब बुलिश ट्रेड देखने के लिए आया है, सो इट शुड क्रिएट अ रेंज ओवर हियर, इट शुड क्रिएट अ रेंज ओवर हियर, एंड देन अगर डेज हाई ब्रेक करता है देन वी विल गो फॉर अ लॉन्ग पोजिशन इन पावर ग्रिड, देन वी विल गो फॉर अ लॉन्ग पोजिशन इन पावर ग्रिड। ओके, देन देर इज सिप्ला एज वेल, तो सिप्ला रेड बैंड ब्रेकआउट स्टॉक है, तो देखो यहाँ पे एक रेड बॉक्स है, रेड बैंड है, प्लस देर आर ग्रीन डॉट्स एज वेल, एंड यहाँ पे 2 दिन से साइडवेज हमें स्ट्रक्चर मिल रहा था, 2 डेज साइडवेज स्ट्रक्चर मिल रहा था, तो यहाँ पे एक अच्छी बाइंग आई थी, बाइंग आने के बाद यहाँ पे एक अच्छा रिट्रेसमेंट भी देखने को मिल रहा है, सो इफ इट कम बैक अगेन इट रिट्रेसेस ओवर हियर, एंड देन अगर डेज हाई ब्रेक करता है तो हमें इसमें एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। सो फोकस सिप्ला ऑन दी अपसाइड मोमेंटम, पावर ग्रिड एंड सिप्ला बोथ आर वेरी गुड फॉर अपसाइड ब्रेकआउट, सो फोकस दीज टू स्टॉक्स फॉर अपसाइड ब्रेकआउट।
सिप्ला एंड पावर ग्रिड, ओके। एमएनएम वी आर फोकसिंग सेल्स एट ओनली बिलो दी डेलो, ओनली बिलो दी डेलो, अदरवाइज अगर साइडवेज रहता है और आधा एक घंटा तो हमें अवॉइड करना है। अगर आने वाले आधे घंटे में अगर डेलो ब्रेक कर दे देन ओनली वी आर इंटरेस्टेड, अदरवाइज अवॉइड एमएनएम। ओके, क्रॉम्पटन बजाज फाइनेंस, क्रॉम्पटन ऑलरेडी गैप अप ऑन हुआ है तो काइंडली अवॉइड क्रॉम्पटन। फॉर स्विंग वी हैव ऑलरेडी गिवन, ओके। आई थिंक स्विंग के लिए ऑलरेडी एंट्री ट्रिगर हो गई है, यू कैन कीप योर स्टॉप लॉस बिलो द स्विंग लो, तो यहाँ पे अभी जो स्विंग हो गया है 285 का, तो इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो फॉर स्विंग पर्पज ओनली। ओके, बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस में फिलहाल तो कोई सेटअप नहीं है, यहाँ पे एक इमीडिएट सपोर्ट है, तो सेलिंग माइट कम टिल दिस जोन, और अगर ये लेवल पे ब्रेक करता है देन अगेन फर्दर सेलिंग कैन कम। सो बजाज फाइनेंस इज काइंड ऑफ इन सेल मोमेंटम, तो प्लान अकॉर्डिंगली चेक सिंजिन। सिंजिन आई थिंक ऑलरेडी करेक्टेड स्टॉक है, काफी दिनों से करेक्ट हो रहा है, और यहाँ पे मंथली सपोर्ट है, डेली सपोर्ट है, सो आप एक रिवर्सल ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो। इफ इट गोज अप सस्टेन ओवर हियर एंड देन ब्रेक दिस रेंज देन यू कैन गो फॉर गुड रिवर्सल ट्रेड इन सिंजिन। या एस्ट्रल इज गुड फॉर अपसाइड ब्रेकआउट, तो यहाँ पे एक येस्टरडे कंसोलिडेशन जोन था, अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि वीकली रेजिस्टेंस है एंड DATR है, सो इट इज इम्पोर्टेंट टू टेक आउट दिस लेवल, इट इज इम्पोर्टेंट टू टेक आउट दिस लेवल। ओके, तो ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक आप एस्ट्रल में बाय साइड के लिए फोकस नहीं कर सकते, बट इट विल बी अ वेरी गुड ब्रेकआउट अबाउट दिस लेवल 2141, सो फोकस ऑन अपसाइड ब्रेकआउट इन एस्ट्रल। ओके, लेट्स चेक वन मोर स्टॉक फ्रॉम मूवेबल्स, एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस इज देयर। सो एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस में क्या हुआ है कि स्टॉक इज ऑलरेडी गोइंग अप, ओ आई वॉज ने बुल साइड के लिए आया है, तो वी कैन फोकस ऑन बोथ साइड ब्रेकआउट। सो यहाँ पे देख सकते हो कि एक रेंज क्रिएट कर रहा है करंटली, इफ आई रिमूव द टेक्निकल लेवल, स्टॉक ऑलरेडी गोइंग अपसाइड फॉर लास्ट फ्यू डेज, तो काफी दिनों से स्टॉक अपसाइड जा रहा है एंड इट इज क्रिएटिंग अ रेंज, तो अगर यहाँ से रिवर्सल लेके सस्टेन करता है डे हाई पे एंड डे हाई ब्रेक करता है तो हमें इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट मिल जाएगा अपसाइड के लिए। सिमिलरली ऑन द अदर साइड यहाँ पे अगर नीचे आता है मैक्स कॉल की यहीं पे सस्टेन करता है एंड ब्रेक दी टूडेज डे लो, एंड टूडेज डे लो ब्रेक करता है तो हमें इसमें काफी एक अच्छा सेल साइड मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है, तो आइदर साइड ब्रेकआउट के लिए काफी अच्छा है एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे भी एक स्पाइक कैंडल है, यहाँ पे भी एक स्पाइक कैंडल है, दैट मीन्स कि दोनों साइड प्रेशर है, तो सेल साइड भी प्रेशर है और बाय साइड भी प्रेशर है, तो वी कैन लुक फॉर बोथ साइड ट्रेड, बट आई विल लाइक टू सी फॉर सेल साइड, अगर डे लो ब्रेक करता है मैक्स कॉल के नीचे तो सेल साइड जाने के लिए आई विल बी मोर इंटरेस्टेड। ओके, सो फोकस एल आई सी फॉर आइदर साइड ब्रेकआउट, आई विल एड एल आई सी हाउसिंग, एल आई सी पावर ग्रिड एंड सिप्ला, पावर ग्रिड एंड सिप्ला आर वेरी गुड फॉर साइड ब्रेकआउट एंड एल आई सी इज फॉर आइदर साइड ब्रेकआउट, सो फोकस दिस थ्री स्टॉक्स एंड एमएनएम फॉर इंट्राडे ट्रेड। IRCTC सर इन बिटवीन है, डाउन साइड में सपोर्ट है, यहाँ पे अपसाइड में रेजिस्टेंस है, सो इन बिटवीन है रेंज के, सो काइंडली अवॉइड IRCTC। ओके, या सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, कोई आपको डाउट है, कुछ क्वेरीज है देन यू कैन कनेक्ट विद अस आवर ऑन आवर सपोर्ट नंबर, दे विल हेल्प यू विद दैट। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, वी विल कनेक्ट बैक अगेन टुमारो।